देश में जूट यानी पटसन की खेती के लिए मशहूर सीमांचल के किसान बेहद परेशान हैं। खराब मौसम के कारण धान की खेती नहीं होने पर किसानों ने जूट की जमकर खेती की थी, लेकिन लागत अधिक और आमदनी कम होने पर सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जिसको लेकर किसान परेशान है। पिछले साल के मुकाबले इस बार आधी कीमत भी नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि पूर्णिया के गुलाबबाग मंडी में सन्नाटा पसरा है। दिलचस्प मामला यह है कि बिहार में पटवा पर किसानों को MSP का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा व्यापारी वजन में किसानों को चूना लगाने से बाज नहीं आते हैं। यही वजह है कि घर से बाजार पहुंचते किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। आइए सुनते हैं जूट की खेती कर उम्र घटाने वाले किसानों की परेशानी। 2 बीघा था सर, था कितना उसमें लागत लगा? लागत लगा उसमें सर 16-17 हजार रुपया जब लेबर ले लिया, और तकर बाद जब पानी इंजन से दिए तो इंजन से पानी देने 4-5 बार पानी दिए उसको। अति फायदा हो रहा है? ना है, पटवा से फायदा नहीं है सर। फायदा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन इलाका छोड़ दिए थे बीच में। हाँ, खेती में कुछ फायदा पटपाट से हो रहा है। अभी पाट जो है 3500, 3600, 3600 एना दाम भाव लगा था। इस बार पटसन में कुछ स्पेशल टाइप का बीमारी भी लगा जो पटवा सूखने लगा, जिसके वजह से किसान को सबसे पहले तो क्षति वहाँ हो गई, दूसरी क्षति हुई कि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा। 1 बीघा में 20 कट्ठे की जमीन को काटने के लिए 8,500 रुपया प्रति बीघा लिया लेबर लोग काट के। उसके बाद पानी की कमी के चलते इंजन से हम लोग पानी डाले हैं, तब पटवा जाके सीझा है। पटवा जो सीझा है, प्रतिदिन इंजन चलने से क्या हुआ, ठंडा पानी जब पड़ता है तो पटवा सीझने में लेट होता है, जिसके चलते अधिक से अधिक पानी हम लोगों लगा और कॉस्ट ज़्यादा लग जाने से मुनाफा कम हो गया और कीमत भी बहुत ज़्यादा कम है। अभी किस अभी हम लोग का पटवा जो 3500-3600 रुपये ले रहा है। अच्छा, सरकार ने समर्थन मूल्य भी तो इसका नहीं, समर्थन मूल्य अभी ऐसा कुछ नहीं है। पैक्स भी जो JCI है वो खुला हुआ नहीं है। हम लोग अगले फसल के लिए पटवा बेचेंगे तभी तो मकई का खेती करेंगे, इसीलिए हम लोग को निहायत हर हाल में पटवा बेचना पड़ता है कम कीमत पर। क्या नाम है जी? पाट का खेती तो किए हैं 1.5 बीघा, लेकिन लेबर भी नहीं मिला, लेबर का कॉस्ट ज़्यादा था। अपने से काट करके अपने खेत में गड्ढा बना के जो पानी दे करके सीझा, लेकिन मुनाफा तो नहीं हुआ। आन बार हुआ था, ज़्यादा मूल था, लेकिन अब की बार मूल भी वही 30-35 रुपया बिका, जिसमें कि हम लोगों को मुनाफा नहीं हुआ। लगभग 20-25 हजार रुपया खर्च नहीं आया। कोई पहले ये इलाका पूरा पटसन के रूप में जाना जाता था, इस बार का क्या लग रहा है जी? अब की बार फिर वही किसान करेगा, अब की बार पाट छोड़ देगा। मकई का सीजन आ रहा है, लेकिन खेत मेरे खेत में गड्ढा बना हुआ अभी भी, उसको फिर से लेबर से करवाएंगे। हो सकता है मक्का भी साथ ना दे हम लोगों। यहाँ से व्यवसायी लेके जाता है पटसन जी डायरेक्ट गुलाबबाग बेचते हैं जी? नहीं, यहाँ पर छोटा मोटा व्यवसायिक है, वही उसी के हाथों बेचना पड़ता है, क्योंकि आगे मकई लगाना पड़ता है, मजबूरन बेचना पड़ता है। ये तो नगदी फसल है पटवा, तुरंत पैसा मिल जाती है जी? तुरंत तो नहीं देता है कोई भी व्यवसाय, कोई भी तुरंत नहीं देता है, वही महीना रोज के बाद वही खाते में देता है, फिर खाते से निकासी करते हैं। हो सकता है मक्का का भी लेट हो जाएगा फसल। क्या नाम है?